कसरावत जनपद पंचायत के सामुदायिक भवन में जल उपभोक्ता संस्था का चुनाव दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे संपन्न हुआ। यह चुनाव 12 अध्यक्ष पद हेतु किया गया, जिसमें जल उपभोक्ता के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजय हुए। कांग्रेस के 7 और भाजपा समर्थित 5 विजय हुए। बीजेपी और कांग्रेस में अपने अपने दावेदारों को लेकर जोश देखा गया। चुनाव संपन्न होने के बाद विजय जुलूस निकाल कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अध्यक्ष पद पर विजय हुए उम्मीदवारों ने एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत किया। सचिन यादव और अरुण यादव के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बस स्टैंड पर विजय जुलूस निकाला गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज नहर के चुनाव थे, इसमें कितने सदस्य जीते हैं? इसमें जो है आज हमारी जो है 7 संस्थाएं जो है, जिसमें से 3 संस्थाएं हमारी निर्वाचित हुई और 4 जगह जो है हमें जीत प्राप्त हुई है, जिसमें सभी हमारे कार्यकर्ताओं और सभी जो है हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से जो है यह जीत हम उन्हें सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं। आज 7/10/2022 को जल उपभोक्ता संस्था 12 संस्थाओं के अध्यक्ष पद का निर्वाचन करवाया गया। इसमें 17 बड़गांव, भगियापुर, रायपुरा, सोनखेड़ी, यहाँ 5 के निर्विरोध हुए चुनाव, और निमरानी, गौला, चिचलाई, भोइंदा, जालनपुर, अमलाथा और कोगांव, यहाँ पर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। हाँ, उनके द्वारा बताया है कि यहाँ पर एक साथ कंपार्टमेंट में जाके वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेरी मॉनिटरिंग में सारी कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर सुविधा के दृष्टि से 4 संस्थाओं के एक ही मतपेटी में वोट डलवाए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।